फ्रेंड्स, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं दही और खीरे का सैंडविच, कर्ड कुकुम्बर सैंडविच। दही और खीरे का सैंडविच बनाने के लिए चाहिए ब्रेड, खीरा, मक्खन, हंकड़, चीनी पिसी हुई, हरा धनिया महीन कटा हुआ, मेयोनीज, ग्रीन चिली सॉस, नमक, नींबू और काली मिर्च। बॉल लेंगे, बॉल में डालेंगे दही। ये हाफ कप दही है बंधा हुआ। दो कप दही को आप छलनी में करके रख दें, हाफ कप हंकड़ तैयार हो जाएगा। दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही को फेंटने के बाद दही में डालेंगे 1 टेबल स्पून मेयोनीज। अगर मेयोनीज ना हो तो आप 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार। मेयोनीज में भी नमक होता है और ब्रेड में भी नमक होता है। 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1/2 टीस्पून चिली सॉस, थोड़ा सा हरा धनिया, करीब 1 टेबल स्पून और करीब 8 से 10 बूंद नींबू के रस की, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब खीरे को छील करके और कद्दूकस कर लेंगे। खीरे को ग्रेट करने से पहले टेस्ट कर लें, अगर वो कड़वा हो तो उसे यूज ना करें। खीरे को ग्रेट कर लिया है। खीरे को जो दही का मिक्सचर बनाया है उसमें डालेंगे, हल्का सा निचोड़ लेंगे जिससे कि जो खीरे में एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये करीब 1 कप ग्रेट किया हुआ खीरा होगा। अब खीरे को दही में मिक्स कर देंगे। खीरा अच्छे से मिक्स हो गया है दही के मिक्सचर में। ब्रेड की जो ब्राउन साइड्स हैं उनको निकाल देंगे। सबसे पहले ब्रेड पर बटर लगाएंगे। चाहें तो दोनों साइड बटर लगा सकते हैं उसके ऊपर। खीरे और दही का मिक्सचर रखेंगे। करीब 2 टेबल स्पून खीरे और दही का मिक्सचर रखा है। अब इसके ऊपर दूसरी वाली ब्रेड रख देंगे। इसी तरीके से सभी सैंडविच तैयार कर लेंगे। खीरे और दही के इतने मिक्सचर में करीब 10 से 12 सैंडविच तैयार हो जाते हैं। सैंडविच आप ये पहले से तैयार करके और क्लीन रैप में पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको सर्व करना हो आप निकालें क्लीन रैप में से और सर्व करें। हाफ काट लेंगे। दही और खीरे का सैंडविच तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू।